हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टेंथ क्लास का PYQ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने भेजा हुआ है, उसे देख लेते हैं। ये ओसवाल की बुक से उसने भेजा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है मीडियन का कि मीडियन अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो तो मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये हमें देखना है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच द 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेट, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ इंटरसेप्ट, है ना, द मीडियन। तो देखो, हमें स्टूडेंट का जंप का जो मीडियन फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट ने जंप जो है क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, जो टेबल हमें दिया है, इस टेबल को मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। इस टेबल को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरीके से, यहाँ पर तो मैं लिख लेता हूँ कि आपको जो है डिस्टेंस लिख ले रहा हूँ, क्या है डिस्टेंस लिख लिया है डिस्टेंस। सेकेंडरी आपको मैं नंबर लिख ले रहा हूँ, क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, क्लियर। तो देखिए, जो डिस्टेंस है वो है 0 to 1 का, ठीक है, 0 to 1 to 2, ओके, 2 to 3 और 3 to 4 एंड 4 to 5, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पर जो इनका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखा है वो दे रखा है 40, क्या दे रखा है 40, 80 और यहाँ पर है 62, 38 एंड 30, ये दे रखा है। हमें पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें जो है n का वैल्यू हमें मिलता है, क्या मिलता है, n का वैल्यू हमें मिलता है। और उस n की वैल्यू को हम जो बोलते हैं वो होता है क्लास फ्रिक्वेंसी का सम, क्या होता है क्लास फ्रिक्वेंसी का सम। तो क्लास फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, क्योंकि क्लास फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए जो फ्रिक्वेंसी आपके पास है, यानी जो फ्रिक्वेंसी आपके पास है उसको आपको ऐड, यहाँ पर इस, देखो ये वाला वैल्यू सिमिलर यहाँ लिखना होता है, ये वाला वैल्यू, और ये जो है क्या होगा, ये जो है फ्रिक्वेंसी का जो है एक्स था ना, ये एक्स है, इनका सम जो है एफ आएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए CF, लिख लीजिए क्या लिखिए CF। जब आपने देखा इस वैल्यू को, आपने देखा इस वैल्यू को, ये 40 हो गया, इसमें इसको ऐड किया 120 हो गया, इसमें इसको ऐड करेंगे ये होगा 182, इसमें इसको ऐड करेंगे ये होगा आपका 220, और जब इसमें आपको इसको ऐड करने का मौका मिलेगा तो आपका ये होगा 250, क्या होगा 250। तो जो 250 आया वो आया n, क्या है गया n। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, तो n/2 यानी 250 का अगर मैं n/2 करता हूँ तो वो होगा 125। अब 125 जिस इंटरवल में आ रहा है वो देख लेंगे किस इंटरवल में आ रहा है। देखिए, ये तो छोटा है 125 से, ओके, जो बड़ा वैल्यू है वो ले लेते हैं, यानी ये वाला वैल्यू है आपका 125 में, इस वैल्यू को ले लेंगे। और ये वैल्यू लेने पर अब हमें जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट होंगे, देखिए फॉर्मूला होता है आपका मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला आप देखेंगे तो मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू में H जो होता है वो क्लास इंटरवल होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये लोअर लिमिट यानी कि ये वाली लोअर लिमिट हो गई, ये वाली, ठीक है। और ये जो होता है 62 जो है, यहाँ पर देखिए F है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, है ना, F जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो आपका जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है वो होगा आपका 62, ठीक है, कितना होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो वो होगा 62। और CF की बात करेंगे तो ये F हो जाएगा, और इसका जस्ट CF देखेंगे तो आपका कितना मिलेगा, ये वाला पार्ट CF मिलेगा आपको, ठीक सर। ये सारी बातें जब आपको मिल चुकी हैं तो इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको चाहिए, देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या आया था, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 2 प्लस n/2 की वैल्यू थी 125 माइनस CF की वैल्यू है 120, क्या है 120, और F की जो वैल्यू है, यानी F की वैल्यू जो है वो है 62, और इनटू में जो H है वो है 1, ओके। आपने देखा 2 प्लस 5 अपॉन 62 और यहाँ पर इनटू में 1
एलसीएम लेकर जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 124। क्या मिलेगा? 124 प्लस 5, तो यहाँ पर मिलेगा 127। क्या मिलेगा? 124 था ना, 129 मिलेगा। 129 अपॉन 62। क्या मिलेगा? 129 अपॉन 62। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 होल 5 अपॉन 62। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में जो कन्वर्ट मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेट 2.08। क्या मिलेगा? 2.08। अगर मीटर में है आपका या जिस भी यूनिट में आपका डिस्टेंस दे रखा है उस डिस्टेंस में आप लिख लीजिए, नहीं दे रखा है तो नॉर्मली मीटर लिख लीजिए, या आप इंचीज़ भी लिख सकते हैं, जितना इंचीज़ या जितना मीटर जितना स्टूडेंट का दे रखा होगा वो, ठीक है, या फुट भी लिख सकते हैं, फुट में ज़्यादातर दे रखा होगा। तो ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के बेस पर आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले करना ये है कि जो आपको डिस्टेंस दिया है उसे ब्रेक तो करना नहीं है, क्योंकि मीडियन में ब्रेक करना होता था, मीन में ब्रेक करना होता था, मीडियन में इसे ब्रेक नहीं करना। जो नंबरिंग दे रखी है उनका टोटल करने के बाद एन बाई टू निकाल लीजिए और उससे डिसाइड करिए इसका इंटरवल कौन सा है। जो इंटरवल होता है उसका लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो लोअर वैल्यू को कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्या कहा जाता है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। उसके जस्ट सामने जो होता है फ्रिक्वेंसी, उसे एफ कहा जाता है फ्रिक्वेंसी। इसका क्लास फ्रिक्वेंसी जो होगा वो ये, ठीक है, ओके। और ऑफ ए बाकी का जिस फॉर्मूले में रख देंगे। इनका डिस्टेंस जो है, इनके टर्मों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है एच। क्या कहा जाता है? एच। एच यानी कि क्लास इंटरवल कहा जाता है। देन आपके पास क्वेश्चन हो ही जाएगा, इजीली आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 किसी बच्चे ने भेजा था, वो मैंने कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।